भजन संहिता अध्याय 73, भजन संहिता अध्याय 73। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डेग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डेग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी में से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डिंग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, तो भी उसकी प्रजा इधर उधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का सा जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं कि परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैं कहता कि मैं ऐसा ही करूंगा तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे समझूंगा, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षणभर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। जैसे जागकर स्वप्न को तुच्छ जानते हैं, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीका था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर भी कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश हो गए, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं।